मेले छुप के अकेले ये ले ले चलो 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 कटम का तुम्हारी मम्मा का नजर लगा दे मिलते अभी थोड़ी देर से तब ये तो जब देखो बाय बाय ही बोलती रहती पागल ये नहीं कि थोड़ा सा ठुमका लगा दो बुलाओ मम्मा बुलाओ हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस तो जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिन से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं सारी चीज़ें अपनी अच्छे से कर सकूं तो बस यहाँ पर वही मैं साफ सफाई कर रही थी और ये है मेरे गांव के देवर जो आए हुए थे तो ये जा रहे थे वापस गांव तो अपना जूता मोजा पहन रहे थे टेबल आगे भी रख के तो बस इसी तरीके से मैंने कहा पूरी साफ़ सफाई कर लेती हूँ और जो मेरे पीछे बेड के पीछे सीनरी टंगी थी ना राधा कृष्ण की तो उसको बाबू ने गिरा दिया जो सबसे पहले मैं लेकर गई हूँ ना उसको डस्टबिन में डालने के लिए बस मैंने शीशा ही डाला है और जो उसकी फ्रेमिंग थी उसको मैंने रख दिया मैंने कहा शीशा लगवा कर ये मढ़वा लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ वहाँ पे डंडे रखे हुए थे पर्दे वगैरह वाले और कुछ ऐसे थे वो और जो ये रैक मम्मी लाई थी ना उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था ना तो इसमें बहुत सारे सामान पड़े हुए थे काफ़ी गंदा था मैसी था तो उन सबको सबसे पहले मैं यहाँ से हटा रही हूँ उस पर सिलेंडर भी रखा हुआ था मतलब काफ़ी चीज़ें थी तो मैंने कहा सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ इन सबका सारा सामान हटाती हूँ नीचे रखती हूँ ये देखिए और फिर मैं बुला कर लाई हूँ विक्रम को यानी कि मेरे देवर को मैंने उनको बोला कि इसको मतलब पकड़वा कर साइड में रखवा दो क्योंकि ये देखिए ये नीचे से टूटा हुआ है ना और ये टूटा हुआ तो इसका कोई काम नहीं हो सकता इसलिए बीच से मैंने सोचा कि इसको कटवा देंगे जहाँ से ये टूटा हुआ है ना तो ये किसी काम में यूज़ आ ही जाएगा लेकिन इसको कटवाने के लिए तो निकालना पड़ेगा ही ना तो इसीलिए मैंने इसे साइड लगवा दिया था जो मेरा बाथरूम है ना उसी के आगे मैं इसको लगवा देती और ये देखिए ये कभी भी मतलब लग सकता था बाबू भी खेलती वेलती थी तो अगर इधर उधर करती तो उसके हाथ नहीं लग सकता था और ये लोहा है तो इसको मैंने साइड रखवा दिया जब तक ये 20 रुपये उठा के दिखा रहे थे विक्रम तो मैंने कहा पहले फटाक से यहाँ पर झाड़ू मारती हूँ और जो ये साइड वाला रैक रखा हुआ है ना आप देख रहे हो ना ये वाला तो इसका सामान सारा मैं नीचे गिरा दूंगी और इसको अच्छे से धुल दूंगी साबुन से क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी जो मंदिर है जब से हम आए हैं ना मेरी मंदिर वैसी रखी है पुराने वाले घर पर तो मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले मैं अपने मंदिर का अरेंज करती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और पूजा करने भी मुझे उधर ही जाना पड़ता था तो इसको मैं पहले साबुन से अच्छे से धुल रही हूँ ये देखिए इस तरीके से निरमा लगा के सभी को अच्छे से धुलूँगी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए और क्लीन हो जाए और इसके बाद क्या करूँगी कि पानी से जो है ना मैं इसको धुल दूँगी अच्छे से और एक सूती कपड़े से पहले तो मैं इसको उठा कर ले जाऊँगी वहीं पर रखूँगी जहाँ बरामदा है ना मेरा वहाँ पर ले जाऊँगी इसको रखूँगी ये देखिए इस तरीके से काफ़ी हल्का है ना उतना हल्का भी नहीं है उतना भारी भी नहीं है तो बस इस तरीके से उठा लाई हूँ और एक सूती कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दूँगी और मेरे देवर भी थे तो वो बात भी कर रहे थे बात करते रहो ना तो आपका जो टाइम होता है बहुत ही आसानी से पास भी हो जाता है और काम भी बहुत ही अच्छे से हो जाता है और इस समय इतनी गर्मी हो रही है यार हालत ख़राब हो गई थी मैं क्या बताऊँ आपको तो इसको मैं सबसे पहले साइड कर दूँगी और जितना भी सामान है ना उसको बीच में करूँगी क्योंकि बीच में इसलिए करूँगी ना क्योंकि जो फोल्डिंग डली हुई है रखी हुई साइड में आप देख रहे हो ना उसको डालूँगी जैसे कि कुछ होता है ना चावल वगैरह बिनना हो गया बैठना हो गया बारिश होती रहती है ना तो ऐसे मौसम में अच्छा लगता है बरामदे में बैठना और तखट भी डल जाता है तो और अच्छा लगता है तो फटाफट से यहाँ पर मैं झाड़ू मार लूँगी और ये हैं विक्रम तो लगे हाथ इनसे पकड़वा कर बिछवा भी लूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भारी है अकेले से ये उठने से रही नहीं अब देख सकते हो दिखने में हल्की लग रही है लेकिन है बहुत भारी भाई ये बोल रहे थे उठा लोगी मैंने कहा हाँ चलो उठाओ तो उठा लूँगी और सच में उठा ली थी जब ये बोले ना तो मुझे लगा कि नहीं उठा पाऊँगी और वाकई में जब उठाया तो बहुत ही भारी थी तो बस इस तरीके से इसको बिछा दूँगी और जितना सामान है ना जूते चप्पल जो निकले हैं उनको क्या करूँगी फोल्डिंग के नीचे सारा रख दूँगी फोल्डिंग के नीचे रखने से क्या होगा ना कि इधर उधर नहीं होंगे और ये जो है ना ये मेरी हाथ की मशीन थी ख़राब हो गई थी जूस निकालने के लिए मंगवाई थी लेकिन सही नहीं है और ये जो टेबल है ना इसको मैं किचन के साइड में लगा दूंगी और जो मेरी पानी वाली टंकी ना आप देखे होगे किचन में तो दो टंकी है पानी की प्लास्टिक वाली जो आती नहीं वो मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं तो उनको इसी पर रख दूंगी और सिलेंडर मैंने साइड में रख दिया जितना सामान है बाड़ का बाड़ वो सब मैं नीचे भर दूंगी और जो वो मैं निकाल के ले गई हूँ ना रैक
उसको मैं कटवाऊंगी और इसके बाद मतलब टंगा दूंगी दीवार में। तो जब दीवार में टंग जाएगा तो जितना हमारा जूता चप्पल है ना वो सारा उसी पे फिक्स हो जाएगा और बरामदा भी अच्छा लगेगा देखने में। तो ये देखिए साफ़ हो गया, अभी उतने अच्छे से नहीं हुआ फिर भी पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, खुद ही बोल रही हूँ। तो आप इस पर आराम से बैठ भी सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर यहाँ पर हम रख देंगे ना तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए थोड़ी देर से आप लोगों से मैं मिलती हूँ, ठीक है। ये कौन सा डांस है? चिकनी चमेली छुपके अकेले, अले 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 अले, डांस करे डांस करे, नागिन डांस नागिन डांस। देश रंगीला रंगीला नहीं मम्मा नहीं आएंगे, मम्मा नहीं आएंगे, हम नहीं आते हैं। चलो शाबाश। क्या चाहिए अभी? देखिए इसको अचानक से झटका लग जाता। क्या थोड़ा छोड़ा से क्या थोड़ा गोदी गोदी कहने तो ले। तो गाइस जस्ट अभी हम लोग बैठे हुए थे, चलो कहाँ चले कहाँ चले। ये क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? मम्मा को बुला लेने क्या? मम्मा कहाँ लेने गया? वेट भी बाबू चिपक जाएंगे। मम्मा 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 बुला लो, मम्मा बुलाओ, मम्मा बुलाओ, कहाँ आओ कहाँ आओ बताओ जल्दी आओ। आओ जल्दी भाई, बाबू मेरा बब्बू को लेके आओ, बैठो हाँ चलो आओ, ऐसे खड़ी हो जाओ ना। तुम्हारा क्या होगा बाबू? तो आओ जल्दी आओ मम्मा। अच्छा रुको आते हैं हम भी। आ जाओ भाई पिचनी हो जाओगे तुम लोग। टिक टिक गोला टिक टिक गोला चलो चलो रुक जाओ आने तो ना चलो चले जाओ क्या दे तो टिक टिक गोला टिक टिक गोला टिक टिक गोला चले टिक टिक गोला टिक टिक गोला टिक टिक भगवान कहाँ चले बाबू बताओ। इधर दे तो इधर काम इधर तो देखो मामा तुम तो लगे तुम तो लगे मामा को नीचे खड़ा कर बाबा का पैर तो देता हूँ बाबा। देखो हमको नीचे से चला रहे अपना घोड़ा लद गए तुम तो। मम्मा पैर देखो हम ऐसे चले पैदल पैदल चले। मम्मा पैर देखो। अच्छा अच्छा चुम 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 बाबू डांस कर दो। डांस कर रही हो? एक डांस कर दो, एक बात एक गाने पे डांस कर दो। चलो डांस कर लो बाबू। चिकनी चमेली चिकनी चमेली ऐसे डांस करोगे? रॉक स्टार वाला डांस करो। छम्मा छम्मा बजे रे तेरी बजनिया छम्मा छम्मा। अच्छा अच्छा कहाँ जा रहे हो? कहाँ चल दिए? इधर तो आए। कहाँ चल दिए तुम? हाँ बोलो कौन सा डायलॉग है, किसका डायलॉग है बताओ, किसका डायलॉग है? आप लोग कैसे हैं भाई? ठीक ही है, तुमको देखकर बेहोश हो गए हैं। कहाँ चलो पापा का तेल लगाओ, तेल लगाओ। पापा का क्या करना, ये क्या कर रहे हो भाई? बाबू मम्मा बाबू पापा का ये क्या, ये कौन सी कैब है तुम्हारी? करो जल्दी मिलते अभी थोड़ी देर से। तब देखो बाय बाय ही बोलती रहती पागल, ये नहीं कि थोड़ा सा ठुमका लगा दो। लगा 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 फिर से लगा लगा ठुमका चलेगा ठुमका लगा के चमेली। तो गाइस अब हम आ गए हमारे किचन में। यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच घी और थोड़ा सा मैं आलू फ्राई करूंगी बाबू के लिए अपने लिए। चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने आधी मिर्ची डाली है काटी है मतलब, क्योंकि बाबू ज़्यादा तीखा नहीं खाती है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट जीरा डालूंगी और फिर वो जो आधी मिर्ची थी ना वो, और जब ये हल्की सी लाल हो जाएंगी ना तो जो मैंने आलू कट किए थे ना उनको मैं अच्छे से डाल दूंगी। और ये वाकई में बहुत ही अच्छी लगती है, अगर आप व्रत वगैरह में भी बनाना चाहते हो ना तो इस तरीके से बना के खा सकते हो। और इसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, स्वाद अनुसार जितना आप खाते हो ना उस हिसाब से आप डाल लीजिए। और थोड़ी सी धनिया पाउडर मैंने यहाँ पे डाली है तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि स्वाद अच्छा आ जाए। और जब ये अच्छे से मतलब पक जाएगा धनिया तो बाबू के लिए फिर मैं निकाल दूंगी। और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च डालकर इसको ढक कर रख दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए लाल मिर्च का स्वाद आ जाए बस।
तो बस इस तरीके से हमारी जो थी आलू फ्राई तैयार हो गई है फटाफट से और काफ़ी टेस्टी लग रही थी, हम लोग खा भी लिए हैं। और इसके बाद अब मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। वो आलू जो बची थी ना उसे मैंने रख दिया था क्योंकि बाबू आलू का पराठा वगैरह मांगती है ना, तो इसी वजह से। और अभी मैंने फिर से कढ़ाई धुल ली है वही वाली और तेल गरम कर लिया, और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वो क्या होता है पचफोड़न, जानती हो ना आप, सौंफ मंगरैल जिसे बोलते हैं मंगरैल। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मंगरैल, थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा वो मेथी, मेथी दाने जानते हो ना आप वो वाली। इस तरह की सब्जी आप बनाओगे ना वो भंडारे वगैरह की जो सब्जी बनती है ना भंडारे में आलू कोड़े की, सेम ऐसी बनती है। और इसके बाद मैं यहाँ पे 7-8 मिर्ची ली हूँ, इसको अच्छे से काट लें क्योंकि चटपटा चाहिए ना, तो इसलिए इस तरीके से करना पड़ता है। तो बस आपको क्या करना है, और बाबू को देखिए वो बैठी रहती है तो इस तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है। तो यहाँ पर हमने वो जो पचफोड़न तैयार किया था वो डाल दिया और इसके बाद मिर्ची और कुछ भी नहीं बस। और इसके बाद क्या करना है आपको, आपकी सब्जियाँ जो इसमें डाल देनी है, और ये आप कुकर में बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी होता है ना दिमाग नहीं काम करना, तो मैं हमेशा कुकर में ही बनाती थी, लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में था कि मैं कढ़ाई चढ़ा दी, फिर ये मैं कुकर में डाल रही हूँ ये देखिए सारी सब्जियों को, क्योंकि जब सीटी लगा के बनाओ ना तो बहुत ही अच्छी बनती हैं। और थोड़ी देर भूंज लेंगे और इसके बाद हम क्या डालेंगे, 4-5 टमाटर डाल देना है, अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो अमचूर डाल देना है, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब आपका टमाटर गल जाए ना तो इसमें थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला डालकर, और जो 1 रुपये वाला मसाला होता है ना वो आप डाल सकते हो, वरना आप एवरेस्ट मसाला ही पूरा डाल सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा वो नहीं डालती हूँ, इन दोनों को मिला के डालती हूँ। 2 पैकेट मैंने 1 रुपये वाले मसाले ले लिए और थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला, बस इसको अच्छे से भूंज लेना है। जब ये अच्छे से भूंज जाए मसाला तो थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के इसको, और इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट एक काम करना है, थोड़ा सा दम आलू मसाला डालना है, इससे क्या होगा ना कि काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है बस। और फटाफट से क्या करना है, सीटी लगा देना है। तो हमारी कैसे भंडारे वाली आलू कोड़े की सब्जी रेडी है। कहाँ चले, गोदी वोदी नहीं भाई, हो बाप बेटी हमको भी साथ ले लो, किससे चले बताओ, कार से बाइक से, हम भी गोदी ले लें, चलो 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 देख लो भाई, भारी बहुत इसलिए ऐसे गोदी लेके आए हैं, उतनी समय से घोड़ैया लगाई थी, अब फिर गोदी लेवाई तो खड़े खड़े हो गए। गंदी बात, मम्मा को गोदी ले नहीं, गोदी ले लो, लो उठा दिए मम्मा को, तो नीचे खड़ा कर गोद, बाबू गोदी ले लिए ना, बाबू जैसे लो हमको भी वैसे लो, ये तो मम्मा से तो पहले छोटी हो जाए, छोटी हो जाए, हम पहले छोटी हो जाए, चलो अगर हम छोटी हो जाएंगे, हाँ ब्याह देखो बाबू गोदी ले, चलो अगर पहले ये बताओ तुम, इधर हम छोटी हो जाएंगे बाबू तो फिर पापा को खाना बना के तुमको खाना बना के कौन देगा बताओ, अच्छा जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन देगा। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 10 और अब हम जा रहे हैं क्या करने, वीडियो का एंड करने, है ना, एक अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं कल कल। तो बस अभी रात के 10 बज रहे हैं, खाना पीना हो चुका है हमारा और अब हम जा रहे हैं क्या करने के लिए, मूवी देखने के लिए, अब थोड़ा सा टाइम पास करेंगे है ना अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या, बाय बाय, गुड नाइट, ओके।